सब इंस्टाग्राम उसे बंद कर दो, ओके। बाकी का जो आपको चालू होगा, व्हाट्सएप होगा, इंस्टाग्राम होगा या फिर फेसबुक होगा, बाद में देख लेना हो, फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो सब स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सब अपने अपने कैमरे ऑन रखो, ओके। व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, क्या? ओके, जस्ट अ सेकेंड। डिड यू हियर डैट ऑन योर कैमराज? What should be speed of rotation of Earth? What should be speed of rotation of Earth so that weight of a person, so that, so that weight of a person at equator will become zero, okay? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बहुत इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिल सकती है, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ओके, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट द वेट ऑफ अ पर्सन एट अ इक्वेटर विल बिकम जीरो, ओके। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या दिए है, ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है 2g/r स्क्वायर रूट के अंदर, ऑप्शन बी में कहा है जी बाय आर, नेक्स्ट ऑप्शन सी में कहा है 3g/r, देन नेक्स्ट ऑप्शन डी में कहा है 4g/r, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन की एक बार फिर से हम रीड करेंगे, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट वेट ऑफ अ पर्सन एट इक्वेटर विल बिकम जीरो, आपको क्या करना है, एट इक्वेटर आपका वेट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब देखिए एट इक्वेटर अगर आपको आपका वेट जीरो करना है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस रहेंगी, ओके। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर पर आपको क्या करना है, आपका वेट क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। मीन्स और बेसिकली क्या है, आपका वेट अगर आपका जीरो हो तो आपको क्या करना है, जो आपका वेट यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है दैट इज एम इंटू जी, ओके। जो वेट आपका यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है उतने वेट से आपको बाहर की तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, मीन जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी उतना ही होना चाहिए जितना आपका इनसाइड फोर्स है, ओके। मीन इनसाइड फोर्स एंड आउटसाइड फोर्स आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब ये दोनों फोर्स आपके इक्वल रहेंगे तब आपको यहाँ पर आपका जो वेट है वो वेट आपको क्या होगा, जीरो फील होगा। समझ रहे हो कंसेप्ट को, क्या कहा है, आपका इक्वेटर पर वेट आपको जीरो होना चाहिए, तो उस जीरो वेट के लिए आपका स्पीड ऑफ रोटेशन मीन्स उसके लिए आपका अर्थ कितने स्पीड से रोटेट होना चाहिए, समझ रहे हो, मींस कितने स्पीड से आपका अर्थ रोटेट होगा जब आपको इक्वेटर को आप इक्वेटर के ऊपर आपको आपका वेट कितना फील होगा, जीरो फील होगा, ओके। तो उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या रहेगी, जब भी आप इक्वेटर पर खड़े रहोगे अगर आपको आपका वेट इक्वेटर के ऊपर अगर आपको आपका वेट जीरो फील करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना आपका इनसाइड वेट आपका अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ कितना वेट अट्रैक्ट हो रहा है, एम इंटू जी, ओके, जो कि आपका खुद का नेचुरल वेट होगा, जो कि हर एक इंसान का रहता है, फॉर एग्जाम्पल 50 kg 60 kg, ओके, उतना वेट आपका अर्थ के सेंटर की तरफ आपका अटैक हो रहा है। बट अगर इस वेट को अगर आपको जीरो करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ को इतने स्पीड से रिवॉल्व होना पड़ेगा
इतने स्पीड से रिवॉल्व होना पड़ेगा जितने की इसका जो बाहर का जो अट्रैक्शन का जो बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ खींचेगा वो और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब आपको आपका वेट क्या होगा, जीरो फील होगा। ओके तो देखिए, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो देखिए आपको क्या पूछा है, रोटेशन ऑफ अर्थ पूछा है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए आपके पास फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू, क्या दिया है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके तो अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है। ओके इस इक्वेशन के अंदर ओमेगा मीन्स क्या रहता है, आपका स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ रहता है, मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है। ओके तो देखिए अब आपको क्या कहा है, एट इक्वेटर कहा है, एट इक्वेटर आपका थीटा कितना रहता है, थीटा इज इक्वल टू रहता है आपका जीरो। ओके थीटा इज इक्वल टू कितना रहता है एट इक्वेटर, ओके एट इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, जीरो रहेगा। मीन सेंस देयरफॉर कॉस जीरो का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, कॉस जीरो का वैल्यू मिलता है आपको वन मिलता है। मीन्स यहाँ पर आपका जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू आपका हो जाता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर। ओके जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर। ओके तो अब देखिए यहाँ पर ये आर ओमेगा स्क्वेयर है, जी डैश इज इक्वल टू आपको देखिए, अब जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वेयर है मीन्स व्हाट। अब देखिए ये जो जी डैश आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, ए जी डैश का कौन सा है, ए जी डैश उसका है जहां पर आपका वेट क्या होगा, जीरो होगा। वेट क्या होगा आपका, जीरो होगा। अब अगर इक्वेटर पर अगर आपको आपका वेट जीरो करना है, वेट जीरो करने के लिए आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए, क्योंकि वेट के लिए फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जी डैश है। वेट के लिए क्या फॉर्मूला है, वेट एट इक्वेटर क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, एम इंटू जी डैश रहेगा। एम इंटू जी डैश रहेगा मीन्स जी डैश क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर है। अब अगर आपको वेट अगर आपको जीरो करना है तो इसके लिए ऑब्वियसली आपका जी डैश भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब आपका जी डैश जीरो होगा तब आपका वेट क्या आएगा, जीरो आएगा। बात को समझ रहे हो, आपको क्या करना है, वेट जीरो करना है। वेट जीरो करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर उसको जीरो करना पड़ेगा। जब वो जीरो होगा तब आपका वेट जीरो होगा। तो हेंस देयरफॉर जी डैश की जगह पर मैं यहाँ पर जीरो पुट कर सकता हूँ, जी डैश की जगह पर मैं यहाँ पर जीरो पुट कर सकता हूँ। हेंस देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर होगा। ओके अब यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर है, तब देखिए ये जो माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो हेंस देयरफॉर इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर मिलेगा। क्या मिलेगा, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर मिलेगा। देन नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर मिल चुका है, अब आर को क्या करना है, ओमेगा के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो दैट्स व्हाई देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जी डिवाइडेड बाय आर मिलेगा। अब ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय आर है, दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हेंस देयरफॉर यहां पर क्या होगा आपका, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करना स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट विल गेट कैंसिल, या राइट हैंड साइड में स्क्वेयर रूट रहेगा, तो जी बाय आर है। कहां पर दिखाई दे रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय आर कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, मींस ऑप्शन बी है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, जीरो क्यू लिया। ओके तो अब देखिए जीरो क्यू लिया, बेसिकली आपको वेट कितना बोला है, एट इक्वेटर पर आपका वेट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब अगर इक्वेटर पर अगर आपको वेट जीरो है, मींस देखिए इक्वेटर पर अगर आपका वेट जीरो है तो इसका मतलब आप इक्वेटर के वेट के लिए आप कौन सा जी यूज करोगे, जी डैश यूज करोगे, मींस डब्ल्यू इज इक्वल टू जी डैश यूज करोगे। अब देखिए डब्ल्यू मींस वेट, वेट के लिए फॉर्मूला कहता है एम इंटू जी डैश रहता है, मींस यहाँ पर कोई भी चीज हो उसका एम तो रहेगा, मींस उसको कुछ ना कुछ मास रहेगा, बट उसका वेट आपको जीरो करना है। क्या कहा है, वेट विल बिकम जीरो, उसका वेट जीरो करने के लिए आपको जी डैश को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि वेट के लिए फॉर्मूला क्या है, एम वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। जब इन दोनों में से एम या फिर जी में से कोई भी चीज जीरो होगी
तब आपका वेट जीरो होगा। बात को समझ रहे हो? ओके, तो देखिए W के लिए M एंड G इन दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, तब आपका वेट क्या होगा, जीरो होगा। अब M तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज हमें रखेंगे उसको कुछ ना कुछ तो मास होगा, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन जी डैश इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर जी डैश की जगह पर यहाँ पर हमने जीरो पुट किया है। जीरो क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा है क्वेश्चन के अंदर वेट विल बिकम जीरो। वेट अगर जीरो होगा तो इसका मतलब है ऑब्वियसली आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, जीरो ही होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने जीरो लिया है। क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है वेट विल बिकम जीरो, सो जिसकी वजह से हमने यहाँ पर जी डैश को भी जीरो लिया है। ओके, वेट जीरो इसका मतलब क्या है, जी भी जीरो रहेगा। जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कहा था वेट एंड जी क्या एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगर जी इंक्रीज होगा तो डब्ल्यू भी इंक्रीज होगा, अगर डब्ल्यू कम होता है तो जी भी क्या होगा, कम होगा। डब्ल्यू अगर जीरो है तो जी भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि वेट एंड जी क्या है एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चाहे तो इस सेंटेंस का आप ऊपर एक कॉलम के अंदर ऐड कर दो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। डब्ल्यू एंड जी के बीच में रिलेशन कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो दैट्स व्हाई वी कैन टेक जी डैश एज जीरो। जी डैश को जीरो लेते हैं, उसके आगे कई क्वेश्चन आपको समझ में तो आ ही जाएगा। क्लियर है सबको? Is that clear? G dash zero क्यों आता है? क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कहा है वेट ऑफ अ पर्सन एट इक्वेटर विल बिकम जीरो, इक्वेटर के ऊपर आपका वेट जीरो होता है, सो इसकी वजह से हमने यहाँ पर G dash को भी acceleration due to gravity at equator उसको भी जीरो लिया है। ओके, क्योंकि वेट एंड acceleration due to gravity ये दोनों चीजें क्या एक दूसरे को directly proportional है। ओके, चलो राइटअप कंप्लीट कर लो, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, जी बाय आर अंडर रूट। देन नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को 2018 के नीट में भी पूछा गया था, यही क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड चेंज था। ओके, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन था, सिर्फ इसके अंदर एक वर्ड का चेंज था। ओके, वो हम देखेंगे, इससे पहले आप इसका राइट अप कंप्लीट कर लो। Is it done? हुआ है क्या complete? Each and every student concept clear है क्या? Question के अंदर क्या दिया है और हमें क्या solve करना है? समझ में आया क्या? अगर नहीं आया होगा तो बिंदास बोल दो। But आपको कोई force नहीं कर रहा है कि आपको yes ही कहना है। चलो, हुआ है क्या कंप्लीट? Is it done?
नेक्स्ट देखते हैं, था सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज था। ओके देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए एक चीज यहाँ पर याद रखिए। देखिए क्या आपको स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पूछा था, ओके स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ आप आर, ओके जब आपका अर्थ अंडर रूट के जी बाय आर स्पीड से आपका अर्थ घूमेगा तब आपका इक्वेटर के ऊपर आपका वेट कितना रहेगा, जीरो रहेगा। मीन्स आपको स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कितना मिला है, अंडर रूट जी बाय आर मिला है। ओके देन नेक्स्ट यही क्वेश्चन था, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज था। ओके कैन आई रफ दिस, रफ कर दूं क्या इसे? ओके तो देखिए क्वेश्चन यही था, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज था। ओके देखिए क्वेश्चन के अंदर चेंज कहां पर था, स्पीड ऑफ रोटेशन कहा है, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कहा था। क्या स्पीड ऑफ रोटेशन की जगह पर क्या कहा है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कहा है। ओके क्या कहा है, टाइम पीरियड। ओके क्वेश्चन यही है, सिर्फ स्पीड ऑफ रोटेशन की जगह पर क्या कहा है, टाइम पीरियड कहा है। ओके और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी चेंजेस होते हैं। ऑप्शन ए में कहा है 2π, ऑप्शन बी में कहा है 2π, ओके ऑप्शन सी में कहा है 2π अंडर रूट ऑफ आर बाय जी, ओके और ऑप्शन डी में कहा है ऑल ऑफ दीज। ओके तब देखिए क्या कहा है आपको, व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सो दैट वेट ऑफ अ पर्सन एट इक्वेटर विल बिकम जीरो। मीन्स इक्वेटर पर आपका वेट जीरो होना चाहिए, उसके लिए आपको टाइम पीरियड कितना लगेगा, टाइम पीरियड मीन्स व्हाट, अर्थ उसका रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। ओके अर्थ उसका रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो आपको पूछा है। ओके तब देखिए सिंपल फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिए, सबको फॉर्मूला पता हुआ रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है टाइम पीरियड के लिए, टी इज इक्वल टू क्या है, 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा है। ओके क्या है क्वेश्चन, सॉरी क्या फॉर्मूला टाइम पीरियड के, 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा है। मींस अर्थ आपका फिलहाल, ओके फिलहाल जनरल कंडीशन लेंगे, इस समय आपकी अर्थ वन रोटेशन कितने समय कंप्लीट कर रही है, 2π डिवाइड बाय ओमेगा, मीन्स ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ कितना रहता है, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ कितना रहता है आपका 24 आवर्स का रहता है, मीन्स 24 टाइम उसको लगता है, 24 टाइम लगता है मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, मीन्स क्या है 24 को हमने क्या किया, t इज इक्वल टू 2π है तो ओमेगा की जगह पर 24 टाइम पीरियड, ओके टाइम पीरियड को क्या किया हमने 24 × 60 × 60 मीन्स 24 आवर्स से एक दिन के अंदर 24 आवर्स से एक आवर्स के अंदर 60 मिनट से एक मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो इसे हमने क्या किया पूरा जो क्वांटिटी है सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ओके कितना टाइम पीरियड लगता है अर्थ को उसका एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। ओके अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, कितना टाइम पीरियड लगेगा जिसकी वजह से आपका इक्वेटर के ऊपर आपका वेट क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स आपका टाइम पीरियड कुछ तो कुछ चेंज होगा, इससे क्या होगा कम होगा। ओके वो टाइम पीरियड हमें क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो देखिए टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, टी इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ओमेगा का है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, ओमेगा इज इक्वल टू रहता है 2π डिवाइडेड बाय टी रहता है। ओके बट इस फॉर्मूला को हमने एडजस्ट किया है, टी को यहाँ पर शिफ्ट किया, ओमेगा को यहाँ पर शिफ्ट किया, तो आपको मिल गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओके अब देखिए ओमेगा का वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ओमेगा का वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया है, अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, तो वही फॉर्मूला वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, जी बाय आर हमें करना है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इस टर्म का आपको क्या करना है ऊपर लाना है, अगर यही चीज आप एज इट इज ऊपर लाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को माइनस में लेना पड़ेगा,
बट अगर आप इस चीज का रेसिप्रोकल करके ऊपर लाते हो तो आपको इसका माइनस नहीं करना पड़ेगा. सो हेंस देयरफॉर क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इसका रेसिप्रोकल मींस r ऊपर आएगा g नीचे जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g. ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, 2 पाई r बाय g यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. इसका मतलब क्या है कि आपका जो टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g. ओके, इतने टाइम पीरियड से आपको अर्थ को मूव होना पड़ेगा. अब देखिए ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है फिजिक्स के अंदर, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन आपको फिलहाल आपको फर्स्ट टाइम दिखाई देता होगा. ओके, आप सभी के लिए इक्वेशन फर्स्ट टाइम दिखाई दे रहा है, बट फिजिक्स के अंदर ये इक्वेशन आपको आगे चलकर हर एक लेसन के अंदर दिखने वाला है. फिजिक्स पार्ट टू के अंदर मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या फिर इस लेसन के अंदर आगे का पॉइंट, एस्केप वेलोसिटी, बहुत सारे पॉइंट्स है. ये जो डेरिवेशन है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपको बहुत सारी जगह पर दिखने वाला है. इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है, जब आप इसके अंदर पूरे वैल्यूज पुट करोगे, मींस व्हाट, इसके अंदर जब आप वैल्यूज पुट करोगे, 2 इंटू पाई के वैल्यू है 3.14, रेडियस ऑफ अर्थ है वो आपका 6400 किलोमीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81. जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तब आपको इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलता है, दैट इज टी इज इक्वल टू 84 मिनट्स. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसे साइड में राइट कर लो, टी इज इक्वल टू 84 मिनट्स इसका पूरा वैल्यू. ओके, t is equal to 84 minutes. Means what? ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर इक्वेटर है. इक्वेटर पर अगर आपको आपका वेट अगर आपको जीरो करना है तो इसका मतलब क्या है, आपकी अर्थ जो कि 24 आवर्स में उसका एक रोटेशन कंप्लीट करती है, उसका रोटेशन कितने समय कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में. अब उसको उसका रोटेशन कितने समय में कंप्लीट करना पड़ेगा, 84 मिनट्स के अंदर. जब अर्थ आपका रोटेशन 84 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेगा तब आपका वेट इक्वेटर पर क्या होगा, जीरो होगा. बात समझ रहे हो. अब देखिए 84 मिनट्स के अंदर अर्थ को उसका रोटेशन कंप्लीट करना है, और जनरल अर्थ उसका रोटेशन कितने समय कंप्लीट करता है, 24 आवर्स. तो डिफरेंस देखिए 24 आवर्स कहाँ पर है और 84 मिनट्स कहाँ पर है, मीन्स इसका मतलब आपकी अर्थ कितने स्पीड से मूव होगी, वो जो रोटेशन स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ रहेगा वो कितना ज्यादा रहेगा. देखिए 24 आवर्स के अंदर फिलहाल एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, और तब क्या है कंडीशन, 84 मिनट्स लगेंगे. मींस 84 मिनट्स एंड 24 आवर्स कितना डिफरेंस है. अगर सच में अगर अर्थ 84 मिनट्स में उसका रोटेशन अगर कंप्लीट कर लेती है तो इमेजिन करो सिर्फ इमेजिन करो, 24 आवर्स की जगह पर अगर 84 मिनट्स के अंदर अर्थ आपका रोटेशन कंप्लीट करती है वन रोटेशन, तो इमेजिन करो स्पीड ऑफ अर्थ कितना रहेगा. अब उस स्पीड ऑफ अर्थ का हमारे ह्यूमंस के ऊपर क्या होगा इफेक्ट, अगर उतने स्पीड से अगर अर्थ मूव करती है तो पूरे जितने भी लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स इक्वेटर, पूरे सारी चीजें खींची चली जाएगी कहाँ पर, इक्वेटर पर. ओके, और अगर 84 मिनट से भी अगर कम समय लगता है अर्थ को रोटेशन कंप्लीट करने में, मीन्स 84 मिनट से भी अगर आपको ज्यादा लगता है, मीन्स कम लगता है, मीन्स 64 मिनट के अंदर अगर अर्थ उसका रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, 64 मिनट मीन्स 1 आवर हो गया. ओके, अब अगर 1 आवर के अंदर उसका रोटेशन कंप्लीट कर लेती है तो ऑब्वियसली जेन्युइनली एक बात तो तय है, अगर इतने कम समय में उसका रोटेशन कंप्लीट होता है मीन्स स्पीड ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा रहेगा. तो यहाँ पर एक बात तय है, जितने भी यहाँ पर चीजें हैं अर्थ के ऊपर वो सारी सारी अर्थ से बाहर चली जाएंगी. क्यों बाहर चली जाएंगी, क्योंकि जब 84 मिनट्स पर जब सारी चीजें यहाँ पर इक्वेटर पर आ जाएंगी तब यहाँ पर कंडीशन ऐसी रहेगी कि जो आपका ब्रेक डांस रहता है मेले के अंदर या फिर सर्कस के अंदर जो आपका ब्रेक डांस रहता है, जब आपको जो फोर्स आपको फील होता है कि कोई फोर्स आपको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो क्यों फील होता है, क्योंकि तब आपका स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा रहता है. बट अब यहाँ पर कंडीशन ऐसी है जो कि मैक्सिमम कंडीशन है आपको इक्वेटर के ऊपर स्टेबल होने की 84 मिनट, उससे भी कम समय में अर्थ उसका रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, मीन्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको आउटसाइड की तरफ खींचेगा वो ऑब्वियसली आपका ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चले जाओगे. मीन्स अर्थ अगर 64 मिनट में उसका रोटेशन कंप्लीट करता है या फिर 84 मिनट्स की जगह पर 80 मिनट भी लेता है, 80 मिनट के अंदर भी अगर इसका रोटेशन कंप्लीट होता है या फिर 83 मिनट्स के अंदर भी इसका रोटेशन कंप्लीट होता है तो भी आप अर्थ के बाहर चले जाओगे, क्योंकि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा बाहर की तरफ खींचने वाला फोर्स वो आपका ज्यादा रहेगा, और ऑब्वियसली आपको अर्थ के अंदर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा जो आपको स्टेबल कर सके. जैसे कि ब्रेक डांस के ऊपर बैठेंगे तो आपको सीट बेल्ट पहना हुआ रहता है या फिर आपके
हाथ के अंदर हैंडल रहता है जिसकी वजह से आप वहां पर स्टेबल हो जाते हो, बट यहाँ पर इक्वेटर पर आपको ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चले जाओगे। ये इसके पीछे का रीजन रहता है। ओके, तो टाइम पीरियड फॉर टू कंप्लीट द पर्सन ऑफ वेट इज विल बिकम जीरो एट इक्वेटर, वो टाइम पीरियड रहता है आपका टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाय जी। ओके, क्लियर है सबको? चलो राइट अप कंप्लीट कर लो इसका। तो देखिए 100 मिनट अगर रहेगा तो 100 मिनट के लिए आपका वेट जीरो नहीं होगा। अगर 100 मिनट के अंदर अर्थ उसका रोटेशन कंप्लीट करता है मींस यहाँ पर आपका कुछ तो भी वेट रहेगा, वो वेट आपका 0.000 समथिंग रहेगा। ओके, वहां पर आपको थ्रो आउटसाइड में आप थ्रो नहीं होगा। 84 मिनट ऐसा है जहाँ पर आपका वेट जीरो रहेगा। 84 मिनट में अगर उसका रोटेशन कंप्लीट करता है आप यहाँ पर स्टेबल रहोगे, मींस इक्वेटर पर आपका वेट जीरो रहेगा। बट उसके आगे 83 मिनट में करता है, ऑब्वियसली सिंपल सी थिंग है, कोई भी चीज जिसका वेट जीरो है वो वहां पर स्टेबल रहेगा। बट जीरो से कम अगर वेट होता है तो ऑब्वियसली वो वहां पर से थ्रो नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख लो, कोई भी चीज ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रैपर है, इसका कुछ तो भी वेट है, बट क्या इसका वेट बहुत निग्लिजिबल है, मीन 0.00 समथिंग है। जब इसका वेट जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, थ्रो आउट हो जाएगा। मीन जैसे एयर में ये रैपर जैसे उड़ते है वैसे ही इंसान यहाँ पर इससे आगे उड़ने लगेंगे हवा के अंदर। ओके, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर थ्रो आउट किए जाएंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, स्क्रीन इज नॉट क्लियर। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके, तो ये थे आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए थे। अब और भी आपके 2-3 क्वेश्चन बाकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने आपके वर्कशीट के अंदर अटैच कर दिया है। जब आपका लेसन फिनिश होगा वर्कशीट के अंदर उस क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। ओके, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसे एक बार आप इसे राइटअप कम्प्लीट कर लो इसका, इसे फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलो हुआ है क्या, कंप्लीट हुआ है क्या, सबका राइट अप कंप्लीट हुआ है क्या? ओके, सेकंड लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ओके, चलो यहाँ पर ध्यान दो। तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है What should be the time period of Earth so that weight of a person at equator will become zero? मीन्स आपको time period find out करना है, मीन्स अर्थ उसका rotation कितने time period में complete करेगा। तो देखिए उस time period के लिए आपके पास formula रहता है, time period के लिए आपके पास formula है, that is T is equal to 2 pi omega, okay? T is equal to क्या है, 2 pi omega, ये आपके पास formula है। T is equal to 2 pi divided by omega, ये आपका formula है। ओमेगा कितना रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, हमने ओमेगा के वैल्यू फाइंड आउट किया, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय आर। तो ओमेगा की जगह पर हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, आपका इक्वेशन हो जाता है 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो अब देखिए सिंपल सी चीज है, ये नीचे टर्म है, अगर इसे मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो इसका रेस टू में क्या होगा, -1 लगेगा। बट अगर मैं इसका रेसिप्रोकल शिफ्ट करता हूँ तो उसको -1 नहीं लगेगा। ओके, मीन्स वॉट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 2/3 है। ओके, अब 2/3 को अगर मैं एज इट इज यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2/3 एज इट इज लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या रहेगा, रेस टू 1 रहेगा। बट अगर मैं 2/3 का रेसिप्रोकल ऊपर लेता हूँ, मीन्स 3 × 3/2 अगर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल नहीं लगेगा। ओके, तो यही चीज यहाँ पर यूज करनी है, तो इसे मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ क्या होगा, 2π इसका रेसिप्रोकल, मीन्स आर को ऊपर भेजता हूँ, जी को नीचे लेता हूँ, मीन्स अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाई जी।
यही आपका ऑप्शन रहेगा. ऑप्शन कहाँ पर दिया है? ऑप्शन सी में कहा है 2π × r/g. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका. क्लियर है? क्लियर है क्या? सेकंड लास्ट स्टेप चंद्रशेखर, आपको सेकंड लास्ट स्टेप क्लियर है क्या? ये वाला स्टेप क्लियर है क्या? जी बाय आर को मैंने ऊपर शिफ्ट किया बट उसका रेसिप्रोकल शिफ्ट किया है. अगर एज इट इज मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर ब्रैकेट में रेस टू माइनस वन लेना पड़ता है. ओके, बट इसका रेसिप्रोकल शिफ्ट किया है, दैट्स व्हाई यहाँ पर रेस टू वन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, तो आर डिवाइडेड बाई जी. ओके, 2π√r/g. क्लियर है सबको? तो देखिए, आज हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो हमने देख ली है. कल के लेक्चर में हम इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज एस्केप वेलोसिटी और या फिर और थियोरेटिकल पॉइंट्स आपके इस लेसन के बाकी है वो देखेंगे. ओके, तो कल से हम थियोरेटिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं फिर से इसी लेसन का. ओके, ग्रेविटेशन लेसन का. तो आज के पॉइंट सबको समझ में आए या फिर किसी को कोई डाउट है? तो देखिए, फिलहाल यहाँ पर 22 पार्टिसिपेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं. 22 पार्टिसिपेंट में से दो स्टाफ है, एक मई और एक ऋषिकेश सर है. मैं से यहाँ पर 20 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं. ओके, तो देखिए, आपको आज का होमवर्क है और ये जो 20 पार्टिसिपेंट है, कल सुबह के लेक्चर में भी मुझे 20 ही दिखने चाहिए. सर, इनका अटेंडेंस ले लो. हाँ, कल जो भी एब्सेंट रहेगा उसके पेरेंट्स को कॉल करने का है. ओके, तो देखिए, आप सभी के लिए होमवर्क है. आपको क्या करना है, एक सेपरेट पेजेस लेने, दैट इज रूलिंग पेजेस. ओके, रूलिंग पेजेस सबको मिलते हैं. ओके, कहाँ पर भी जाओगे जनरल स्टोर के अंदर या फिर कहाँ पर भी, आपको रूलिंग पेज मिलेंगे या फिर किसी के घर के अंदर भी होंगे. ओके, तो वो रूलिंग पेज लेने हैं आपको. रूलिंग पेज के ऊपर आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेशन आपको राइट करना है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन जी एट अ हाइट. ओके, देन नेक्स्ट आपको राइट करना है वेरिएशन इन जी एट अ डेप्थ. देन नेक्स्ट आपको राइट करना है वेरिएशन इन जी एट रोटेशन ऑफ अर्थ. एंड देन नेक्स्ट, कल के लेक्चर में मैंने जो कंपैरिजन लिए थे इन तीनों के, वो कंपैरिजन. ओके, कंपैरिजन ऑफ g at height comma depth comma rotation. ओके, तो ये चार क्वेश्चन आपको क्या करने, राइट करने उस रूलिंग पेज के ऊपर. उसके ऊपर राइट करने के बाद अच्छे से राइट करने है. ओके, उसके ऊपर राइट करने के बाद मुझे सेंड करने हो क्लासरूम के ऊपर. ओके, 20 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, आज शाम तक इवनिंग 6 बजे तक सबके आ जाने चाहिए मुझे. ओके, और नोटबुक का सेंड नहीं करना है, नोटबुक का सेंड नहीं करना है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सेपरेट रूलिंग पेज के ऊपर राइट करने है. ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या इसको कंप्लीट करने के लिए? डायग्राम भी करना है. ओके, डायग्राम भी राइट करना है. ओके, चलो, जिनको दिखाई नहीं दे रहा वो यहाँ से देख लो. किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, मीन जिसको रूलिंग पेज नहीं मिलता होगा या फिर कुछ है या फिर पेन नहीं है या फिर कल के लेक्चर में एब्सेंट थे, ऐसा किसी का कुछ डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा तो अभी बोल दो. ओके, मुझे इवनिंग तक 20 स्टूडेंट्स के आ जाने चाहिए आज का होमवर्क का, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी जब आप वहाँ पर राइट करोगे इस होमवर्क को, वहाँ पर अगर किसी पॉइंट पर या फिर किसी स्टेप पर आपको डाउट आता है उसे नोट डाउन कर लो और कल के लेक्चर में आप मुझे पूछ सकते हो. सबका कंप्लीट होना चाहिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ठीक है, आज का ये होमवर्क है आपका. चंद्रशेखर, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए. चंद्रशेखर रेवनकर,
ओके आदित्य सूर्यवंशी आदित्य जाधव आर्यन इंगे दानिश पाटिल एलरॉय डिसोजा कृष्णा कांबे कुणाल सोनवणे ओम प्रकाश गावंडे प्रथम कावरे राहुल समर्थ अक्षय गिरासे चंद्रशेखर रितेश टाकवाले रोहन रोशन श्रेयस पाटिल वैभव इंगे वेदांत काटकर यश शिर्के ओके एक और वेदांता शायद वो लेफ्ट हो गया। सबका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए ओके सर कितना समय बाकी है पूछिए सर 2:45 ओके तो ठीक है देखिए आपका होमवर्क है कल के लेक्चर में हम थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे फिर से इवनिंग तक सबका होमवर्क आ जाना चाहिए और एवरी डे मुझे मॉर्निंग 6 o'clock एसएस स्ट्रेंथ लेक्चर के लिए देखनी चाहिए ओके 22/8/22 ही स्ट्रेंथ मुझे देखनी चाहिए जो जो ऑब्सेंट है उनको भी बोल दो सर कल के लेक्चर के लिए सारे प्रेजेंट होने चाहिए ओके ठीक है फिर मिलते हैं कल सुबह वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे ठीक है सर लीव करता हूँ फिर ओके सर थैंक यू सर ओके यू ऑल कैन लियो नाउ